अमृतसर च पुलिस मुलाजम वालों 15 साल बैटरी चालक रक्षे वाले नूं पेड़ मारन ते प्या रेड़का लोग आए गुस्से। सारा मामला अमृतसर श्री दरबार साहब के नज़दीक का है जिथे एक पुलिस मुलाजम ने रक्षा चालक छोटे बच्चे नूं डक्या अते उत्थे तकरार होण ते मुलाजम वालों बच्चे नूं चपेड़ मारी गई अते उसके अख ते नज़दीक जद चपेड़ वजी तां उत्थों खून निकल आया। यह सारा मामला वेख के समाज सेवी इकट्ठे हो गए अते उन्होंने पुलिस नाल तकरार करना शुरू कर दिता ते बाद विच की कुछ होया दिखाउंदे हां तुहानूं। बैटरी रक्षा चलाने वाले जिहड़े लोग रोज कमाते हैंड टू माउथ है। सरकार नूं पता है कि छोटे दायरे के लोग है कि इन्होंने रोज कमाना है, अपनी मेहनत करनी है तो फिर खाना है। सरकारां दे अधिकार दे विच ऐ नहीं आउंदे क्योंकि इन्हां को सिर्फ वोट हैगा सरकार बनाने लई, इन्हां को पैसा नहीं हैगा, इन्हां को उन्होंने होल्डिंग लाने लई कुछ नहीं हैगा, रैलियां कराने लई कुछ नहीं हैगा। ये जिहड़ी वजह हैगी कि सरकारां दे राज दे विच इन्हां दी ऐ सही, सरकारां दी ऐ सही, कोई कुलवंत सिंह दा ऐ सही आ, दरबार साहब दे लागे सभना वड्डा स्थल अमृतसर दे विच दरबार साहब दे लागे जिथे हर धर्म दे लोग आंदे ते इंसानियत दी गल कीती जांदी आ, उत्थे इन्ना इंसानियत नूं शर्मनाक करन वाली हालात कि इस मुंडे नूं चपेड़ मार के गां कीता जांदा, जिहड़े हालात की इहदी अखां देखो खून आ जांदा। सैकिंडली जदों आण के इहनूं पुछदे आ इत्थों दी जनता सानूं आण के दसदी आ कि इक लड़का आण के दसदा सानूं कि उहनूं मैं दस्सिया कि मेरी जनानी प्रैगनेंट है, भाजी दो मिनट रुक जाओ ते अगों कहिंदा प्रैगनेंसी का सर्टिफिकेट दे। मैनूं पहलों पता तो लगे प्रैगनेंसी का सर्टिफिकेट हुंदा की आ, कित्थों मिलदा पता तो लगे, लेकिन ए लोग ही इन्हां दे जाके टेस्ट करा लो, हुण भी डॉग टेस्ट कराओ इन्हां दा। हुण भी शराब की हालात च है कि जिहड़ा बंदा शराब की हालात च हुंदा मानसिक तौर ते एलीजिबल नहीं हुंदा कि काम करन लई इत्थे काम करन लई, लेकिन इन्हां दी मानसिकता इन्नी कु मेंटालिटी खराब हो चुकी आ कि शराब पी के हले भी देख लो, हले भी चीका मार रहा कि मैं नहीं करना, जो मर्जी कर लो मैं बैटरी रक्षा नहीं चलन देना। यार शहर तुहाडे प्यो दा नहीं हैगा, शहर गरीब जनता दा आ, इन्हां ने कमाना आ, इन्हां ने खाना आ, तुहाडे प्यो दा शहर नहीं हैगा। तुहानूं इन्हां दे इन्हां जित तुसीं रूलिंग जे तुसीं ट्रैफिक कंट्रोल लई कर रहे हो तेरा मतलब है नहीं कि तुहानूं राइट देता किसे नूं चपेड़ मारन दा। कि गिल साहब लगदा नहीं कि इहनां कोल गैंगस्टरां दे उत्ते कारवाई नहीं हुंदी जां ओह फड़े नहीं जांदे ते इह गरीब बंदे नाल बहुत ज्यादा धक्का कर रहे ने SM कि गुंडागर्दी इत्थे पंजाब पुलिस दी भी चलनी चालू हो गई है। देखो जी गैंगस्टरां दे उत्ते कदी कारवाई नहीं हुंदी क्योंकि गैंगस्टरां को इह लोग पहलो ही गैंगस्टरां नाल सैटिंग हुंदी इहनां दी आ, सब कुछ इहनां कोल, गैंगस्टरां दे खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुंदी, किते नूं चुक के लेके अंदर दित्ता जांदा, मतलब कि सरकारां उन्हां नूं पूछदियां गैंगस्टरां नूं, जे गैंगस्टरां नूं पूछना बंद कर देन सरकारां ते इन्हां दे हालात ऐ ना होण। गरीबां नूं नहीं ना पूछा जांदा क्योंकि इह किसे दायरे च नहीं आउंदे, इन्हां कोल सिर्फ वोट आ, 5 साल एक अधिकारी आउंदा MLA आउंदा वोट लै के इन्हां नूं 5 साल वरतदा ते 5 साल दे राज दे विच इन्हां दी इक वोट दा नतीजा हैगा, गलत वोट दा नतीजा हैगा, इन्हां दी अक्खां दे उत्ते लहू निकल गया। गिल साहब तुसीं समाज सेवी दे विच हर जगह पहले पहुंच जांदे हो और अज भी समां 10 बजे दा हो गया तुसीं पहुंचे हो, और की इन्हां दे हक दे विच तुसीं कानूनी कारवाई करवाओगे जी मुलाजम दे उत्ते? साडा जमीर इंसानियत दे नाल जुड़िया होया, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੇ